पूछता दिल्ली पुलिस ना, ये सबका बाप है। और जो लोग भरम में हो, जो हमारी बहनों को कमजोर समझ रहे हैं, मैं ये वादा कर रहा हूँ उस थाने के सामने कि खाल उधेड़ कर जो है ना घुस भर दे। ऐसा चुनाव फाइट दर्ज नहीं करी, जो यहाँ के DCP हैं 7 साल से जो है हमारी बेटी जो है ना वो दर दर की जो ठोकरे खा रही है, और प्रशासन के जो है ना 15 साल से इसलिए एफ आई आर दर्ज नहीं करी। आप ठेके पे काम कर रहे हैं, अगर आपको कुर्सी पर अगर न्याय नहीं कर सकते तो आप घर जाइए। आप कहें कुछ देश है, लोकतांत्रिक देश है, भ्रम में है तो भ्रम दूर कर देंगे। आगे बेटी को अगर इसके सम्मान को खोज भी आई ना, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी हुआ है। और ऊपर से जो ये ब्राह्मण परिवार सत्ता का संरक्षण है, इन लोगों को ये कह रहा है कि अगर तुम हमारी एफआईआर लिखो दोगे हम तुम्हें जान से मार दे। कौन लोग हैं ये, भ्रम में है? आप उन्हें बताइए कि भ्रम दूर कर देंगे हम उनका। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर हमारी कम्युनिटी पर हमला होगा, आपको भी मैं कह रहा हूँ सच्चे महोदय, हम लोग संविधान को मानते हैं, अगर मेरी कम्युनिटी पर हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मंजीत सिंह नोटियाल नाम है मेरा, मैं भीम आर्मी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। न कोई नेता को सोने देंगे और न किसी अधिकारी को सोने देंगे, ये भूला कह के जानो थाने पे का परेशान किया जाएगा। अगर सुनिए, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं तो आप कुर्सी पर रहिए, वरना ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है कि 12 साल से आप बेटे को न्याय नहीं दिलवा पाए। और जो लोग सुनिए बेटा सुनिए, जो लोग जातिवाद की बदबू है जिन लोगों के दिमाग में, उनको कहिए कि वो वर्दी सरकार को सौंप कर, प्रशासन को वर्दी उतार कर, अगर वो पार्टी बनना चाहते हैं तो मैदान में आइए, हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अधिकारी हैं तो न्याय का पालन, कानून का पालन कीजिए और न्याय कीजिए। और आप हमें बता दीजिए किसमें एफआईआर आप दर्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने समय में कर रहे हैं। आपकी बात नहीं है।